अपनी आने वाली फिल्म शमशेरा में रणबीर कपूर एक लार्जर देन लाइफ किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर, गानों और तस्वीरों में रणबीर और उनकी बल्क्ड अप बॉडी देखने के बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। रणबीर का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस मानो हैरान रह गए। अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में रणबीर ने खुलासा किया कि कैसे वो शमशेरा में सिक्स पैक्स फ्लॉन्ट करने के लिए बीस मोड में आ गए। रणबीर ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा नहीं चाहते थे कि उनकी बीच बॉडी हो। फिल्म में बल्ली का किरदार है जिसका जन्म और पालन पोषण एक क्रूअल जेल में हुआ है। वो 1800 के दशक से है। करण चाहते थे कि उनकी बॉडी बल्क्ड अप हो। रणबीर ने आगे बताया कि ये फिल्म उनके लिए शारीरिक रूप से सबसे कठिन थी क्योंकि वो पतले हैं और वो उनका नेचुरल बिल्ड है, इसीलिए उनके लिए वजन कम करना आसान है और मसल्स बिल्ड करना ज्यादा मुश्किल। उनके पर्सनल ट्रेनर ने रिवील किया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणबीर कपूर ने क्या क्या किया। उन्होंने बताया कि रणबीर 5 मील्स लेते थे जिनमें हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स होते थे और वो हफ्ते में 5 दिन तगड़ी ट्रेनिंग करते थे। इतना ही नहीं, रणबीर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन चीट मील लेते थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हफ्ते में 5 दिन की ट्रेनिंग में हर सेशन 1 घंटे का होता था जिसके बाद 5 मिनट का हाई इंटेंसिटी कार्डियो सेशन भी होता था। आपको बता दें कि रणबीर कपूर साल 2018 में संजू फिल्म में अपनी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस देने के बाद 4 साल बाद स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। उनकी फिल्म शमशेरा 22 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।